आपका स्वागत है। मैं पूजा गंसाना ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, कोरोना के चलते सादगी से मनाया जन्माष्टमी का पर्व। रानीवाड़ा, जसंतपुरा और साचौर में हुई मूसलाधार बारिश। शहर के युवा व व्यापारियों ने सड़कों के गड्ढे भरे। भाई बहन ने समंदर हिलोड़ने की परंपरा निभाई। ग्राम विकास अधिकारी पर अनुपस्थिति का आरोप। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आमजन को किया जागरूक। राजेंद्र परिषद ने किया सघन वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के चलते सादगी से मनाया जन्माष्टमी का पर्व। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिले भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया, लेकिन घरों व मंदिरों में नियमों के साथ आस्था का पर्व का भी पालना किया गया। वही मूर्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी से सुंदेला तालाब में विसर्जित की गई। वही लॉयंस क्लब के तत्वावधान में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऋषभ नगर के सामने झुकी झोपड़ियों में जरूरतमंद परिवारों को नाश्ता व फ्रूट वितरित किया गया। क्लब के अध्यक्ष शकुंतला मुंदड़ा ने बताया कि कोरोना के चलते अभी क्लब की गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं, लेकिन विशेष दिनों पर क्लब की गतिविधियां होती रहती है। इसी के चलते आगे भी बरसात के मौसम के चलते छतरियां और मास्क बांटने का कार्यक्रम क्लब द्वारा किया जाएगा। इसी तरह समर्थाराम संदेशा की रिपोर्ट के अनुसार पांथेरी, उंदड़ी, आसाना, गोरवाड़ा, पोसाना समेत आसपास के कई गांवों में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर समस्त बालिकाओं ने व्रत रखकर भगवान को भोग लगाया और नृत्य किया। वहीं घर घर बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को शाम तालाब में विसर्जित किया गया। वहीं इस दौरान उंदड़ी के में 1.25 क्विंटल केला पिंटू सिंह की तरफ से जन्माष्टमी पर बालिकाओं को वितरण किए गए। इसी तरह ध्यानचंद दादलिया की रिपोर्ट के अनुसार सियाणा सहित आसपास के गांव में भी जन्माष्टमी के पर्व को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मूर्तियां बनाई गई, रेडीमेड मूर्तियां खरीदी गई एवं साथ श्रृंगार कर व्रत व पूजन आदि किया गया। इसी तरह मोद्रा से जगमाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में जन्माष्टमी का पर्व फीका नजर आया। हर बार की तरह कई स्थानों पर बड़े आयोजन नहीं हो पाए। वही शिवाड़ी मंदिर परिसर भी सूना नजर आया। लोगों ने घरों में ही कृष्ण भगवान की पूजा कर पर्व मनाया। इसी तरह शेर सिंह राणा राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती विशाला, कोमता, पुंडाऊ जैसे कई गांव में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर समस्त बालिकाओं ने कृष्ण भगवान का व्रत रखकर भोग लगाया और नृत्य भी किया। वही शाम 4 बजे तालाब में विसर्जन करने के लिए ले गए। इसी तरह राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मांडोली गांव में समस्त देवशियों, मालवीय, लोहार समाज ने अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया। सभी बच्चों ने भी कृष्ण का रूप धारण कर कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया। रानीवाड़ा, जसंतपुरा व साचौर में हुई मूसलाधार बारिश। रानीवाड़ा से मदन महेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार जिले के रानीवाड़ा, जसंतपुरा व साचौर क्षेत्र में बुधवार शाम को 5 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार 3 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद सदर बाजार सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश के कारण कच्चे मकान ढह गए तो कई फसलें चौपट हो गई। कई काश्तकारों की समतल जमीन पानी के तेज बहाव से उबड़ खाबड़ व गड्ढों में तब्दील हो गई। कई कॉलोनियां सहित पुलिस थाना परिसर भी पानी से जलमग्न हो गए। कई इलाके व खेत तालाब के रूप में नजर आए। क्षेत्र के जालेरा के दोनों नाले उफान पर रहे। सड़कों पर तेज वेग से पानी बहने से सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। देखते ही देखते मूसलाधार हुई बारिश से जल पलावन की जो स्थिति बनी उसे देखकर सभी व्यापारी बहुत चक्के रह गए। कई लोगों ने अपने घरेलू सामान की परवाह न कर स्वयं की सुरक्षा के लिए आस पड़ोस के ऊंचे स्थानों पर जाकर शहर के युवा व व्यापारियों ने सड़कों के गड्ढे भरे। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शहर के मुख्य सड़क लंबे समय से बदहाल की स्थिति में है। जगह जगह मुख्य मार्गों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। आए दिन दुपहिया वाहन चालक गहरे गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, फिर भी नगर परिषद व प्रशासन मौन बैठा हुआ है, जिसको देखते हुए शहर वासियों द्वारा कितनी बार लिखित में अवगत करवाने के बाद मार्केट एसोसिएशन व शहर के युवाओं के तत्वावधान में गौड़ीजी कचहरी मार्ग पेट्रोल पंप के आगे कचहरी मार्ग पेट्रोल पंप के आगे भीमाल बाईपास राजेंद्र नगर समेत शहर में बने खड्डों की मरम्मत का कार्य किया गया। इस दौरान मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष राव शंकर सिंह बगेड़िया, महबूब खान मुल्तानी, प्रवीण खंडेलवाल, ग्रेनाइट उद्यमी सुरेश चौधरी, फोटोग्राफर एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्र सिंह गुज्जर, भिकाराम प्रजापत, टैक्सी यूनियन अम्बालाल माली, हुक्मी चंद सोलंकी, जोगेश सेन,
टिकम माली समेत शहर के युवा व उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला जारी का वक्त तक छोटे से नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। पारस चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार कोमता में बुधवार को समंदर हिलोड़ने का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व के तहत बहने अपने भाइयों के साथ तालाब या अन्य प्राकृतिक जल स्थल पर जाकर इस रस्म को निभाती हैं। कोमता में भी बुधवार को महिलाएं सज धज कर महिलाएं मंगल गीत गाते हुए नाचते गाते खालपा तालाब पहुँची, जहाँ उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ समंदर हिलोड़ने की रस्म अदा की। इस दौरान भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी दिए। इसी तरह दुमबड़िया निवासी समाज सेवी नरसिंह राम चौधरी ने भी समंदर हिलोड़ने की परंपरा का निर्वाह किया। ग्राम विकास अधिकारी पर अनुपस्थिति का आरोप। सुरेश गढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार अहोर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से प्रशासन के चक्कर लगाने वाली जनता आखिर सड़क पर उतर आई। दरअसल पांचोटा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर लंबे समय से सुमन मीना लगी हुई हैं, जो कार्यालय में उपस्थित नहीं रहती हैं, जिसको लेकर आम जन को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पंच प्रतिनिधि राजू पाई दमामी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस प्रकार की लापरवाही से जन प्रतिनिधि भी त्रस्त है, जिस पर ग्रामवासी पहले भी प्रशासन से उन्हें हटाने की मांग कर चुके हैं और इसी क्रम में समाधान नहीं हुआ तो रैली निकालकर उन्हें हटाने की मांग की जाएगी। इस मौके परबत सिंह प्रतिनिधि राजू भाई, महिपाल सिंह छात्र नेता, कृष्ण पाल मौजूद रहे। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आमजन को किया जागरूक। सुरेश गढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर संदेश प्रसारित कर आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपायों के बारे में जागरूक किया गया। वही पहला सुख निरोगी काया विषय पर विभिन्न जागरूकता संदेशों एवं कोविड 19 जागरूकता प्रदर्शनी के माध्यम से कोविड संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के उपाय अपनाकर स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी। सप्ताह के तहत प्रशासन द्वारा कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। राजेंद्र परिषद ने किया सघन वृक्षारोपण। नीलेश जैन की जानकारी के अनुसार आओ पेड़ लगाए पर्यावरण को बचाए योजना के तहत अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नव युवक परिषद ने पूरे भारत भर में मंगलवार को पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें परिषद की हुबली शाखा के सदस्यों ने मंगलवार को नवटुंग बेटा में पौधारोपण किया और उसके बड़े होने तक देखभाल की जिम्मेदारी की शपथ ली। इस अवसर पर डॉक्टर शेट्टी, योगेश जैन, बंटी जैन, विमल वेदमुथा, मंत्री संजय सेठ, शैलेश जैन, आकाश जैन, नीलेश जैन, संतोष जैन आदि उपस्थित। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंद समय खबरों फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।